हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीए टी20 सुपर सीरीज की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर नॉर्थन स्ट्राइकर वर्सेस सेंट्रल स्मैशर्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं इस मैच की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ चंडीगढ़ T20 के वीडियो मिलेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर लंका प्रीमियर लीग चल रही है, इसके साथ साथ यहाँ पर इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज चल रही है। तो ये सारे अच्छे मैच इसके वीडियो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे भी आने वाली सारे अच्छे मैचेस की फाइनल मेरी स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच दोपहर में 12:15 पर UKMYSD क्रिकेट ओवल बांगी मलेशिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, देखो यहाँ पर वैसे तो रन अच्छे बनते हैं, यहाँ पर शॉर्ट बाउंड्रीज भी है, लेकिन कई बार यहाँ पर टीम कोलैप्स करवा चुकी है इस ग्राउंड के ऊपर। तो ध्यान में रखिएगा, कभी भी यहाँ पर पिच जो है करवट ले सकती है। वैसे एवरेज यहाँ पर 150-160 के प्लस आराम से यहाँ पर स्कोर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थन स्ट्राइकर्स की। तो नॉर्थन स्ट्राइकर्स की तरफ से यहाँ पर मोहम्मद आमिर अजीम और जुबेदी जुल्किफले दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये नेशनल टीम के लिए भी ओपनिंग करवा चुके हैं यहाँ पर इंटरनेशनल टीम के लिए, जो अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर एशिया खेला गया था वहाँ पर एक आधी मैच के अंदर ये दोनों ने वो ओपनिंग किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे यहाँ पर। बात करूँ तो जुबेदी जुल्किफले की बात करूँ तो ये थोड़े से इनकन्सिस्टेंट जरूर रहते हैं, लेकिन इस कंडीशन में और इस माहौल में जो कि यहाँ पर दोनों ही लोकल टीम है, तो वहाँ पर हमें इनसे एक बड़े परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। सेम चीज़ यहाँ पर मैं आमिर अजीम के बारे में कहूँगा, क्योंकि आमिर अजीम ने अभी जो रिसेंटली खेला था जो वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर में, वहाँ पर वो ओवर्स नहीं करवा रहे थे, लेकिन जब यहाँ से बात डोमेस्टिक की आती है तो वहाँ पर वो रेगुलर बैटिंग के साथ ओवर्स भी करवाते हैं। तो इसको जरूर ट्राई करिएगा, इवन यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो भी कर सकते हैं। जुबेदी जुल्किफले इंपॉर्टेंस, इवन यहाँ पर आमिर खान मलिक वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना है। ये बैटिंग से भी ऊपर आ सकता है, प्लस यहाँ पर 3-4 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी करेगा। कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए यहाँ पर ये भी एक अच्छी चॉइस है, इनके ऊपर भी एक ट्राई कर सकते हैं। मोहसिन जमन को डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एक टॉप में खेलेगा। ओवर्स यहाँ पर रेगुलर नहीं करवाता, कभी कभी यहाँ पर ओवर्स करवा लेता है, बाकी यहाँ पर बैटिंग से आपको ठीक ठाक एडवांटेज दे सकता है। हालांकि पिछली टूर्नामेंट के अंदर इतना अच्छा परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा था, क्योंकि इनको ज़्यादातर बैटिंग से चांस ही नहीं मिल रहा था। बाकी रेगुलर ये वन डाउन या चौथे नंबर पर खेलने वाला प्लेयर है, तो ट्राई करना चाहो, रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हैं, यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से दिखेंगे। इनके अलावा ऐसे बात करते हैं अहमद अकमल अलीफ बिन जैनल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, विकेट टेकर गेंदबाज है, इस प्लेयर को मिस मत करना, क्योंकि ये रेगुलर ओवर्स भी करवाएगा। प्लेस यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, तीन विकेट, दो विकेट, एक विकेट, तो रेगुलर यहाँ से 1-2 विकेट निकाल के देगा आपको। तो लेके जरूर जाना है पर अहमद अकमल अलीफ बिन जैनल को। अहमद आरिफ वाई ए सलमान की बात करते हो, इनको डिफरेंशियल में ट्राई करेगा, क्योंकि ये रेगुलर ओवर्स करवाते नहीं। बाकी ओवरऑल आंकड़ों अगर ओवरऑल आंकड़े के हिसाब से अगर देखें तो इनके कुछ बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस है, मतलब 35 मैच के अंदर 34 विकेट हैं। दिलावर अब्बास की बात करते हैं, तो दिलावर अब्बास का भी पिछला टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपको बता दूं कि बंदा कभी भी यहाँ टॉप में खेल सकता है, मतलब यहाँ पर ओपनिंग भी करवा सकता है, इनके साथ साथ यहाँ पर वन डाउन वगैरह भी खेल सकता है, प्ले यहाँ पर 3-4 ओवर्स की पूरी गेंदबाजी भी करवा सकता है। अगर ये बंदा टॉप में खेला, अगर 1-4 में खेला, तो डेफिनेटली आपको 50-60 रन बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, इनको जरूर ट्राई करना चाहो तो रिस्की तौर पर ट्राई कर सकते हैं। वान मोहम्मद जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है, आई थिंक शायद इस टीम की कप्तानशिप भी करवा सकते हैं। और परफॉर्मेंस देखो, इनका ना ज़्यादातर बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहता है, वो 6-7 नंबर पर ही खेलते हैं। हालांकि पिछली टूर्नामेंट जब खेली गई थी, यहाँ पर डोमेस्टिक की बात करें, यहाँ पर MCA T20 वगैरह, तो वहाँ पर ये कई मैच के अंदर ओपनिंग आए थे, कई मैच के अंदर 4-5 नंबर पर भी आएंगे, तो इनका बैटिंग ऑर्डर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो वही कुछ है, चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हैं, चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यहाँ पर आगे वाले मतलब नेक्स्ट टीम के जो कैप्टन जो विकेट कीपर बल्लेबाज है इनके ऊपर भरोसा रहेगा। सईजरुल इद्रीस वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना है, कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं अगर ये टीम पहले गेंदबाजी करवाती है तो। अभी रिसेंटली जो
वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला गया है ना, वहाँ पर इन्होंने एक मैच के अंदर 7 विकेट निकाली थी और वहाँ पर हमारे वाइस कप्तान थे और इन्होंने वन साइडेड विनिंग करवाया था। तो आगे भी हम लोग इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। बाकी एक प्लेयर बताता हूँ और वो इसका नाम है यहाँ पर हैकल खेर, जिनके ऊपर ज़्यादातर पब्लिक की नज़र नहीं होगी, बहुत सारी पब्लिक इनको अवॉइड करेगी, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि ये यहाँ पर कभी भी बड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है, बड़ा पलटवार कर सकता है। यहाँ पर देखो पिछली टूर्नामेंट की बात करो ना, तो ये पूरी टूर्नामेंट के अंदर नहीं चले थे, यहाँ पर हमने इनके ऊपर बड़ा रिस्क लिया था, 6 विकेट इन्होंने निकाली थी और पूरा मुकाबला वन साइडेड गया था। तो वही कुछ है, इसके ऊपर आप लोग भरोसा कर सकते हैं, इवन मेरी टीम के अंदर तो रहने वाले हैं। और एक रिस्क आप लोग यहाँ पर मोहम्मद कैसर के ऊपर ले सकते हैं, इनके ऊपर भी ज़्यादातर किसी की नज़र नहीं होगी। तो ये दोनों हमारे लिए ट्रम्प कार्ड बनने वाले हैं, हैकल खैर और मोहम्मद कैसर। बाकी बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। CS की बात करते हैं तो CS में यहाँ पर मोहम्मद गुलरेज के साथ यहाँ पर ऐनुल हफीज दोनों ओपनिंग करवा सकते हैं, और इम्पोनर्स की बात करें तो दोनों इम्पोनर्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुलरेज जो है आपको बैटिंग सेक्शन से दिखेंगे, ऐनुल हफीज आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों ही प्लेयर को हम लोग लेके जाएंगे। मोहम्मद गुलरेज की बात करो तो इनको आप लोग डिफरेंशियल में रिस्क के तौर पर कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। इनके अलावा से बात करते हैं असलम खान मलिक की, तो असलम खान मलिक का यहाँ पर पिछला टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं रहा था क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे जा रहा था, तो वही कुछ है, चाहो तो इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। और ये रेगुलर वन डाउन या चौथे नंबर पर ही खेलेंगे, ये पक्का है यहाँ पर, तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर यासिन उल्लाह का पिछला टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा रहा था, 52, 30, 33 जैसे स्कोर किए थे, तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर आज ये तीसरे चौथे नंबर पर खेल सकता है, ध्यान में रखिएगा। बाकी हसन महमूद वेरी इंपॉर्टेंट पिक, क्योंकि ये बंदा रेगुलर यहाँ पर चौथे पाँचवें नंबर पर बैटिंग के लिए जरूर आएगा, इवन इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था पिछले टूर्नामेंट के अंदर भी, तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर अम्मार अजलान जो कि विकेटकीपर बल्लेबाज है, मेरे ख्याल से ये थोड़े से नीचे खेल सकते हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐनुल हफीज़ को ले रहे हैं तो फिर हम अम्मार हजलन को हम लोग यहाँ से ड्रॉप करेंगे। अगर यहाँ पर ऐनुल हफीज़ नहीं खेलते और सिर्फ अम्मार हजलन खेलते तो हमारे लिए अम्मार हजलन वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अहमद फैज की बात करते हो तो वैसे प्लेयर तो काफ़ी तगड़ा है, लेकिन ये बैटिंग से ऊपर नहीं आते। देखो बैटिंग से जब भी ये ऊपर आते तब यहाँ पर सेंचुरी तक बना सकते हैं, और ये हमने देखा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अंदर, वहाँ पर भी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये भाई साहब का ना कोई फिक्स नहीं है बैटिंग ऑर्डर, कभी नीचे आते कभी ऊपर जाते हैं, लेकिन जब भी ऊपर आते तब यहाँ पर तगड़े फोड़ते, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर अहमद फैज को ट्राई कर सकते हैं। इवन मैं तो कहूंगा यहाँ से लेके ही जाइएगा यार, क्योंकि अगर ये टॉप में खेलने के लिए आ गया तो हमको यहाँ पर बड़ा लॉस करवा सकता है अगर हमारी टीम के अंदर नहीं है तो। मोहम्मद अजरी अजहर की बात करूँ तो इनको डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर ओवर्स वगैरह करवा सकता है। बाकी लुकमान हकीम शेयर और लुकमान हकीमी दोनों, इन दोनों के नाम यहाँ पर खास याद रखना, लुकमान नूर हकीम शहर है और ये है ऐसे मोहम्मद लुकमान हकीमी, इन दोनों में से किसी एक को जरूर ट्राई करना है, हो सके तो दोनों को ही लेके जाइएगा। बाकी यहाँ से बात करूँ शाहुल हमीद साहिब की, तो ये भी यहाँ पर कंसिस्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा हमारे लिए, डेफिनेटली आप लोग इनको लेके जाइएगा। इनके अलावा अगर बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलता है तो इनके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन यहाँ पर ऐनुल हफीज़ को हम लोग लेके जा रहे हैं। बाकी ये तो अम्मार, ये देखो अम्मार जुहदी जो दिख रहे हैं ना, इनका पूरा नाम है यहाँ पर अम्मार जुहदी हजलन, तो जो मैंने अम्मार हजलन जो बताया था ना वही प्लेयर है यहाँ पर अम्मार जुहदी हजलन करके। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर अहमद फैज, मोहम्मद आमिर अजीम और यहाँ पर जुबेदी जुल्किफ्ल हमारी टीम के अंदर रहेंगे। यहाँ पर आई थिंक यहाँ से हमें इनको लेकर, मैं यहाँ पर अहमद फैज को ड्रॉप करते हुए आमिर खान मलिक को ले रहा हूँ, जो कि एक बड़ा रिस्क है, आप लोग चाहो तो इनसे इनको लेके जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अहमद फैज यहाँ पर बैटिंग से थोड़े से नीचे आ सकते हैं, अगर ये टॉप में खेला तो हमारा पूरा वन साइडेड लॉस है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर लुकमान नूर हकीम शहर या से आमिर अहमद अकमल अली बिन जैनल को लिया है, और इसके साथ यहाँ पर मोहम्मद गुलरेज हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन की बात करते हैं तो बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पर सैयद एजत इदरुस, हैकल खैर, दिलावर अब्बास और मोहम्मद कैसर। दिलावर अब्बास की जगह पर हम लोग यहाँ पर अहमद फैज को ले लेते हैं, तो वही यहाँ पर पूरा बैलेंस टीम हो जाएगा। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान रहेंगे हमारे ऐसे मोहम्मद आमिर अजीम, वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर सैयद एजत इदरुस को किया हुआ है। इनके अलावा यहाँ से अदर चॉइस की बात करते तो एक यहाँ से गुलरेज बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए। बाकी आप लोग यहाँ से अहमद फैज के ऊपर रिस्क ले सकते हो, लेकिन ये बैटिंग से ऊपर आएगा या नीचे आएगा ये कह नहीं सकते, इसके लिए थोड़े से रिस्की रहेंगे, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करना रिस्की रहेगा। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो हैकल खैर के ऊपर भी रिस्क ले सकते हो, कभी भी बंदा 5-6 विकेट निकाल सकता है, ध्यान में रखिएगा इनको। बाकी तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी, याद रहेगा इसमें कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिल सकते हैं, तो फाइनल टीम जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, तो जल्दी से
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप लोग को इसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैसेज के वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। बाकी मिलते हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आपको करना क्या, आपको करना कुछ नहीं, आपको पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से एनालिसिस करना है, अच्छे से टीम बनानी है, अच्छे से विनिंग करनी। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।